राजधानी भोपाल के दौरे पर है। बीते 6 महीने में ये पीएम का 7वां दौरा है। पीएम जम्बूरी मैदान में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में करीब 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में भाजपा सरकार को 30 साल पूरे हो गए हैं। जो युवा पहली बार वोट डालेगा उन्होंने सिर्फ भाजपा सरकार को ही देखा है। वह युवा सौभाग्यशाली है कि उन्होंने कांग्रेस का बुरा शासन नहीं देखा। कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि यहाँ के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं, गांव और शहर नहीं देखे हैं। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है, गेहूं उत्पादक राज्यों में एमपी के अग्रणी राज्य के रूप में देखा है।